हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खांडवी की रेसिपी। एकदम गुजराती स्टाइल में बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसको आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ज़रूर खाइए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको ये नाश्ते में नहीं पसंद है तो इसकी आप सब्जी भी बना सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ छाछ। तो ये मेरे पास जो छाछ है वो थोड़ी सी खट्टी है, आप दही लेकर भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितना हम बेसन लेंगे उसका 3 गुना हम यहाँ पर छाछ या फिर पानी और दही मिक्स करके आप छाछ बनाकर वैसे भी ले सकते हो। तो अच्छे से मैंने इनको विस्क कर लिया। इसी के बाद इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। और अच्छे से इन सबको मैं मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए, एकदम भी लम्स नहीं रहना चाहिए, उस हिसाब से इसको मिक्स करेंगे। और अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग कढ़ाई के अंदर, और इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक कि हमारा जो बैटर है अच्छे से थिक नहीं हो जाता है। तब तक इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू हाई के बीच में रखनी है, एकदम हाई नहीं रखनी है। और बीच बीच में आप इसको लो पर भी कर सकते हो, और अच्छे से बस इसको चलाते रहेंगे जब तक थिक नहीं हो जाता है। ऐसे इसे कंटिन्यू ही चलाते रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर अच्छे से थिक हो चुका है। तो तब तक इसको चलाएंगे जब तक कि कढ़ाई से एकदम अच्छे से अलग नहीं हो जाता है। तो बस इसी हिसाब से इसको मैं कंटिन्यू चलाते रह रही हूँ, बस इसी हिसाब से इसको बस कंटिन्यू चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो बस इसी हिसाब से थोड़ा सा इसको और चलाएंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है नाश्ता, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। खट्टी छाछ की जगह पर आप चाहो तो फ्रेश जो दही होता है वो भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर खट्टा होता है तो खांडवी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस इसी हिसाब से मैंने एकदम अच्छे से इसको थिक कर लिया है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लेंगे एक थाली और उसके अंदर इसको अच्छे से फैला लेंगे। तो बस ये हमारा रेडी हो चुका है। तो इसको एकदम अच्छे से ग्रीस की हुई थाली पे अच्छे से फैला देंगे। तो आप ऑयल या फिर घी किसी से भी थाली को ग्रीस कर सकते हो। और थोड़ी देर तक इसको मैंने एकदम अच्छे से ठंडा कर लिया था, और फिर उसके बाद में इसको कट कर लेना है। तो जो शेप में आपको कट करना है उस हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं। और फटाफट से इसके ऊपर हम लोग ऑयल से वगार करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल एकदम गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, और फिर उसके बाद में इसके अंदर डालेंगे हम लोग राई। तो राई जब एकदम अच्छे से चटक जाएगी तब इसके अंदर हम लोग डालेंगे और हमारे जो चीज़ें हमें इसके अंदर ऐड करनी है वो। तो यहाँ पर राई एकदम अच्छे से चटक गई है, तो इसके अंदर डालेंगे हम लोग व्हाइट वाले तिल। जरूर ऐड करिए, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खांडवी के अंदर, व्हाइट तिल से क्रंचीनेस आता है। तो बस इसके अंदर वो डाल रही हूँ, तो खूब सारा व्हाइट तिल डालिए। इसी के साथ यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। तो मेरे पास ये थोड़ा सा सूखा हुआ कड़ी पत्ता था तो वो मैं ले रही हूँ, आप फ्रेश करी लीव्स भी ले सकते हो। और अच्छे से इसको एक बार भून लेंगे, आप इसके अंदर हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ वगार का कलर चेंज हो गया है, तो बस खांडवी के ऊपर थोड़ा सा मैं लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर रही हूँ, और ऊपर से हम लोग हमारा वगार इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर लाल मिर्ची को स्किप कर दीजिए अगर वो नहीं खाना पसंद करते। तो बस इसी हिसाब से बस अच्छे से हमारे वगार को सभी साइड में फैला देंगे, और फटाफट से इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है बहुत ही टेस्टी सी हमारी गुजराती खांडवी की रेसिपी, मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपको मेरी ये बताई हुई रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। इसको किसी के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी भी अगर आप इसको सर्व करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो फिर आप चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, इन्जॉय।